अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, लॉकडाउन वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सॉरी यार आज लेट। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। सिग्नल की वजह से जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके कोई बात नहीं सर। ओह थैंक यू। अच्छा वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा दूसरा ये करें, साथ साथ माइक म्यूट करते जाएं, ठीक है? जब जरूरत हो तो फिर ओपन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और उसकी वजह ये है कि मैं म्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप काफी ट्रेंड हो गए हैं इस चीज में कि जब कहीं कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आपसे एक चीज हाँ, पूछनी थी। पूछो। सर हमारी कल आखिरी क्लास है। हाँ कल, कल क्या दिन है? थर्सडे। यस सर जी। यस सर, कल थर्सडे। थर्सडे को, थर्सडे को लास्ट क्लास है आपकी। उसकी वजह ये है कि तमाम टीचर जो हैं वो स्कूल में 9th-10th की फिजिकल क्लासें ले रहे होंगे। ये तो अभी आपकी वो है ना, ई क्लास। यस सर। यस सर, 15 से स्कूल खुल रहे हैं। हाँ 15 से बड़ों के सर। यस सर, बड़ों के। आपके भी मेरा ख्याल है 30th से आप सर। सर 13 नहीं सर, 22 से। हाँ सर 22 से खुलेंगे। 22 से। यस 22 से आपके हैं शायद, और 30th सर 22 से खुलेंगे। प्राइमरी के शायद 30th से हैं। और सर टाइमिंग 8 से लेके 11:30 तक। हाँ सर टाइमिंग, टाइमिंग तो अभी जो 9:30 तक होगी। हाँ गुड, अच्छी इनफॉरमेशन है सर। एक एक हफ्ता होया करी सर क्लासेस सर। 11:30 तक ये अभी नहीं पता, अभी बाकी चीजें जो है ना, मेरा ख्याल से टाइम टेबल भी नहीं बना। टाइम टेबल नहीं बना अभी। हाँ जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी हाँ, वो उसकी वजह ये थी कि 9th-10th की मैंने जब फिनिश की ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा था कंप्यूटर अभी, तो उस दौरान जूम को कोई नहीं सर, खैर है, स्टार्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने 10 मिनट का सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से ना, वरना सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अभी आपने ऐसा करना है, जिनकी अटेंडेंस की ड्यूटी है ना, वो अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहरहाल इन तमाम दिनों में आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई है कि ऑनलाइन क्लासेस, ये फ्यूचर में बड़ा फायदा होगा। सर मैं ले लेता हूं सर, मैं भेज दूंगा सर। सर आप मुझे मेरी पर्ची नहीं भेजता हूं सर, मेरी पक्की लगाई हुई आपने। आर्यन जी मैं भी कुछ कुछ की पक्की लगाई हुई है, 2-3 बच्चों की पक्की लगाई हुई है। वो आप ऐसा करें, आप लाजमी, ठीक है, जैसे आप भेजते हैं ना उसी तरह, तो अगर फालतू भी भेज देंगे तो कोई बात नहीं। मोहम्मद फहद आज कोई आवाज बदली हुई थी, आज क्या कोई प्लेट घसीट रहे थे? अच्छा जी सर, आज कोई आवाज, आपके आवाज आती है ना अक्सर माइक से सर, वो बिस्किट सांस की आवाज है। अच्छा अच्छा चलो, लोहे तोड़, ठीक है। हाँ लोहा तोड़ने की आवाज सी थी, वो लोहे के ऊपर जैसे सर, हैमरिंग होती है। हाँ बोले सर, सांस की होती है, सांस सर, की सांस होती है। की हाँ, आवाज, सांस की आवाज उस वक्त होती है ना, कि अगर आप आगे मेरा ख्याल है ये हाथ रख लेना ऐसे इस तरह से, तो फिर तब शायद सांस की होती है। अच्छा अब सुने, आज हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेज नंबर 69 सामने रखा है। मोहम्मद अली बेटे अब शरारत नहीं करनी है बेटे। अच्छा वो नाम सामने लिखे हुए आप क्या आ जाते हैं? हाँ मोहम्मद तलहा, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। ये पेज ऑप्शन दे दो रीनेम की सर, पेज 69। हाँ पेज 69, ठीक है। आप में से किसी का कैम, किसी एक बच्चे ने कैम ओपन करके बुक सामने ओपन करनी है, मैं खोलूं ताकि मैं देखूं। और चलो रीनेम का ऑप्शन दे दो, रीनेम का। चलो जी
हाँ तो स्क्रीन शेयर ऑन कर दे सर, हम स्क्रीन शेयर ऑन कर सर, बच्चों के पास बुक है सर। हाँ ना बुक, चलो सबके पास है बुक तो ठीक है, बस एक आध बच्चे को मैंने इसलिए कहा कि साथ आप ये चीजें भी थोड़ा सीख लें कि यार ऑनलाइन हम क्या क्या स्क्रीन शेयर ऑन कर दे सर। स्क्रीन शेयर नहीं, वो फिर उससे ये होता है मुझे आपके नेम और आपकी हरकतें नहीं नजर आती। हाँ आप अपने वीडियो ऑन करके तो चेक कर लें, अगर आवाज की प्रॉब्लम आपको नहीं होती ना तो आप अपना ऑन रखें कैम वगैरह, ठीक है, कैम बेशक ऑन रखें क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ माइक, माइक इसलिए ऑफ कर लीजिएगा, माइक इसलिए म्यूट कर लीजिएगा कि वो फिर आवाजें कोई बाज के बच्चों के घरों में, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो आवाजें ज्यादा आने लग जाती। अच्छा जी, तो अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। वैसे इसका पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ये कहता है कि अगर फर्ज करें हमारे पास, ठीक है, दो बॉल हैं मेटल के बॉल और उनको आगे पीछे रोल करते हैं जैसा कि ये पिक्चर दिखाई गई है। देखें ये पिक्चर नजर आ रही है, बिफोर कोलाइजन ऊपर एक रेड बॉल है छोटा और एक सिर्फ मेटल के बॉल ही। हाँ मेटल के बॉल का ये होता है ना कि वो जरा, ठीक है, ज्यादा मोमेंटम अपने अंदर भर लेते हैं क्योंकि मास ज्यादा हो तो मोमेंटम। स्क्रीन शेयरिंग करी है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा आप इधर देखें, मेटल के बॉल किस लिए रखेंगे, क्योंकि मेटल का मास ज्यादा होता है, बाकी चीजें हल्की होती हैं, तो जब मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मोमेंटम ज्यादा हो तो मोमेंटम को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे देखें आप मुझे बताएं, जग में ज्यादा पानी भरा जाएगा या ग्लास में? जग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसी तरह जो मोशन की क्वांटिटी होती है ना वो मेटल की हैवी चीज में, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसमें मोशन ज्यादा भरा जा सकता है। सर जग में ज्यादा पानी होगा। हाँ जैसे जग में ज्यादा पानी आता है, कैपेसिटी ज्यादा है उसकी। अच्छा आप अगर दो बॉल रोल करें, ठीक है, एक मेटल का बॉल और एक जनाब वो पिंग पोंग का बॉल, दोनों को एक ही स्पीड से रोल करें तो जो मेटल का बॉल है वो ज्यादा देर तक मूव करता हुआ आगे जाएगा, ठीक है, पिंग पोंग का बॉल जरा जल्दी रुक जाएगा। ये मास की वजह से होता है। उसके अलावा देखें आपका पंखा जो लगा है, पंखे में दरमियान में लोहे का एक पीस लगाया जाता है, वो गोल सा जो पोर्शन होता है ना उसका, किसी का अगर कैम ओपन हो सकता है और आपके छत पे पंखा भी लगा हुआ है तो उसकी जरा वीडियो दिखाएं बाकी बच्चों को। हाँ दिखाएं जरा, हाँ ये दिखा रहे हैं, ये अहमद अहमद बिलाल का देखें, ये पंखा नजर आ रहा है सर, दो सेकंड, ये नजर आ रहा है पंखा अहमद बिलाल का, ठीक है ना, उसमें जनाब दरमियान में वो जो गोल सा मेटल लगी होती है ना वो हैवी बनाई जाती है। वो किस लिए हैवी बनाई जाती है कि हल्की सी फोर्स के बाद उसमें क्या चीज भर जाती है, मोमेंटम भर जाता है। मोमेंटम का मतलब है मोशन उसमें भर जाता है, तो अगर आप स्विच ऑफ भी करेंगे तो वो काफी देर तक मूव करता रहेगा। ये बात समझ आ गई? हाँ बिल्कुल, सुलेमान का सही नजर आ रहा है, ये नजर आ रही है मेटल का। हाँ वीडियो बेशक बंद कर दिया। हाँ नहीं अच्छी बात है, ये आपका पता चलता है कि पार्टिसिपेट आप करते हैं, आप साइंस को इंटरेस्ट के साथ समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी फहद बेटे, आप कोई पंखे के साथ कोई हाथ तो नहीं लगाया हुआ था कि वो आवाजें आ रही थी? मैंने तो नहीं लगाया। हाँ तो ये आवाजें कौन सी होती हैं आपकी, अजीब अजीब आवाजें, आप आवाजों के माहिर तो नहीं है सर? वो बोरिंग हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, गली में हो रही होगी। हाँ दैट्स राइट, तभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोरिंग का वो होता है ना, बोरिंग की आवाज है ये, इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन अच्छी है और ये बच्चा आर्मी के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि जिनकी ऑब्जर्वेशन डीप होती है ना, फॉरन जजमेंट कर लेना कि क्या हो रहा है, तो वो बॉर्डर पे भी उन्हें पता चल जाता है क्या होने वाला है, तो वो दुश्मन से पहले जो है उसका बंदोबस्त कर लेते हैं।
सर मैं सर जी मैं कह रहा हूँ सर मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ बेशक। अच्छा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये आजकल जो है। अच्छा अब वापस आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हाँ, तो इसमें हाँ पिक्चर देखें जरा, साइड साइड पे राइट साइड पे पिक्चर है, एक रेड मेटल बॉल है और एक ब्लू मेटल बॉल बना हुआ है, ठीक है। हाँ ज़ैन अब्बास। यस सर। हाँ मैं समझा ज़ैन अब्बास आ गए। हाँ ज़ैन अब्बास गुड, एट्थ ऑरेंज के। तो अभी आपसे भी मैं क्वेश्चन करूंगा ज़ैन, इसलिए बी रेडी ओके, इसी से मुतालिक करूंगा। अच्छा okay, जी sir. अब देखें M1 जो है, M1 रेड बॉल है छोटा, और M2 जो है ये बड़ा बॉल है, ठीक है मेटालिक बॉल है। अच्छा M1 की वेलोसिटी जो है U1 है, yes, M1 की वेलोसिटी है U1, और M2 की वेलोसिटी कितनी है पिक्चर से देख के बताएं। U2। U2, वेरी गुड। U2 सर। गुड। अच्छा उसके बाद किसी के घर से तीन डब्बे वाले की आवाज आ रही है। वो बेटे ये मेरे ही घर से आ रही है, वो नीचे गली में, ये अक्सर गलियों में आते हैं। अब इनका रोजगार का मसला होता है, इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, और इतना हमारे खलल भी नहीं पड़ता, बच्चे समझदार हैं। अच्छा अब ये देखें दोनों बॉल जब हाँ ए के बाद बी, बी पोर्शन में देखें दोनों बॉल टकरा रहे हैं, एम वन एम टू के साथ टकरा रहे हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो सी फिगर में देखें, आप मुझे जरा बताएं कि M1 की वेलोसिटी कितनी हो गई है और M2 की कितनी हो गई है? V1, V1, V2। सर, सर M1 की वेलोसिटी सर U1 और सर M2 की वेलोसिटी U2 है। वो तो पहले थी, टकराने से पहले थी, कोलाइजन से पहले, कोलाइजन के बाद वाली बताएं। M1 की V1 है और M2 की V2। वेरी गुड, गुड, वेल डन अहमद बिलाल, वेल डन, गुड। अच्छा अब ये लॉ ये कहता है टकराने से पहले, टकराने को कहते हैं इंग्लिश में कोलाइजन, ठीक है। तो कोलाइजन से पहले M1 की वेलोसिटी थी U1 और M2 की वेलोसिटी थी U2। अच्छा तो M1 का मोमेंटम कितना था, ये अब जो बचा आंसर देगा ना, वाकई इसका मतलब है पिछले टॉपिक्स पे नजर होगी, इसका मतलब है M1 का मोमेंटम क्या। हाँ M1 का मोमेंटम सर U1। नहीं, दो दो प्रोडक्ट होते हैं, दो चीजों के, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। हाँ M1 U1, फिर देख ले सर। सर M1 का M1 U1। हाँ गुड, M1 U1, U1 गुड, M2 का U2, और M2 का M2 into U2, ठीक है M2 U2, M2 U2, M2 U2, गुड। अब टकराने के बाद मुझे बताएं M1 का क्या मोमेंटम हो गया। M1 V V1, गुड, वेल M1 V1, M1 V1, सर M2 का V2, हाँ M2 V2 हो गया, M2 V2 का V2, वेरी गुड, ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब फिर देखें, अब मैं आपको इसको जरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ए पिक्चर में वो बता रहा है कि रेड बॉल जो मूव कर रहा है उसका मोमेंटम है M1 U1, और ब्लू कलर का जो बॉल मूव कर रहा है उसका मोमेंटम है M2 U2, ठीक है A2 U2। हाँ इसका मतलब है जो M1 छोटा बॉल है उसका मोमेंटम कम है और M2 बड़ा बॉल है उसका मोमेंटम जरा ज्यादा है, ठीक है। अब जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, चेंज। M1 का मोमेंटम M1 V1 हो गया। अब हम M2 का साथ जो जूता होता है उसका V2, बिल्कुल। तो टकराने से पहले जो फहद बेटे बंद कर ले जरा थोड़ा माइक ताकि बाहर की आवाज ना आए। अच्छा M1 का मोमेंटम जो पहले था टकराने से पहले वो ज्यादा था और टकराने के बाद कम हो गया। कैसे पता चला कम हो गया, क्योंकि U1 ज्यादा थी और V1 जरा कम है, ठीक है। U1 ज्यादा थी वेलोसिटी और V1 जरा कम है, क्योंकि आप खुद सोचें आप जो तेजी से भागते आ रहे हैं ग्राउंड में और किसी से टकराते हैं तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा तेज हो जाएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी गिर जाएगी और हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है, हाँ आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी का जो फालतू हिस्सा जो दूसरे बंदे को मिला है वो दूर उड़ता हुआ दूर गिरेगा अगर वो छोटा बच्चा है तो, ठीक है ना, और अगर बड़ा कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो उससे टकरा के आप ही बाउंस बैक हो जाएंगे। यस, हाँ ये चीज ज़हन में रखनी है। अच्छा यहाँ पे आप देखें ये जो M1 जब M2 के साथ टकराता है तो ये M2 क्योंकि बड़ी बॉडी है तो टकरा के M1 की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनी हाउ वेलोसिटी कम होती है मगर अब इसमें देखें वामिक बेटे ये अंडे सर्दियों में फरोख करना बेटे। अच्छा अभी ये देखें कुलैयन से, अच्छा कुलैयन से पहले देखें, कुलैयन से पहले टोटल मोमेंटम आपने बताना है। अब देखो अब ये आ फिर सोचने वाली बात है बेटे, M1 का मोमेंटम था M1 U1 प्लस M2 का मोमेंटम है M2 U2, तो इसका मतलब है टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, टोटल प्लस करके करेंगे तो, ठीक है, और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम क्या प्लस करेंगे, हाँ प्लस करके आप बताएंगे कर लेंगे। हाँ सर अब टकराने के बाद देखें क्या आएगा, टकराने के बाद सर M1 V1 सर M1 V1 प्लस M2 V2 V1 सर M2 का V2 ये हो गया, नहीं M2 का नहीं बस टोटल आपने बताना था, ऊपर सिस्टम का टोटल आपने sir, बता दिया M1 U1 प्लस M2 U2 और नीचे टकराने के बाद आफ्टर कोलाइजन M1 V1 प्लस M2 V2, ये बात समझ आइए। अच्छा ये लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, ये पेज नेक्स्ट पेज पे आए जरा पेज नंबर 70 पे आए देखें, हाँ पेज 70 पे देखें ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे आप जाएं 3.17 इक्वेशन से ऊपर टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलाइजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये आपने जो भी बात बताई है अभी इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। फिर देख लें व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझा दें शायद दोबारा कर देना, फिर दोबारा से सुन लें जी सर, हां जी दोबारा एक दफा सर, अब ये फिर दोबारा से देखें शुरू से देखेंगे, ठीक है, इसकी डायग्राम पे भी गौर करेंगे। स्टोरेज स्पेस एम वन की वेलोसिटी क्या है, एम वन की वेलोसिटी है U1, U1, M1, U1. अभी आपने ध्यान देना है जरा, मेरा ख्याल है मैं बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, बोर्ड का इस्तेमाल जी सर, नो सर, जी सर, सर बोर्ड पे करा दे, अब ये बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे बेटे, बोर्ड की डायरेक्शन थोड़ा सा साइड सर थोड़ा ऊपर करेंगे राइट सर, अब बोर्ड जरा करीब कर ली सर, अब बोर्ड जरा करीब कर ली, ठीक है बिल्कुल सर, अब सही होगा, लाइट ऑन करूं सर, सही है सर, अब सही होगा। अच्छा अब देखें जरा ध्यान ध्यान देंगे बेटे, सर सही होगा, हाँ जी, ये एक बॉडी है M1, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है U1, नजर आ रहा है कि नहीं सर, आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, अच्छा, और एक बड़ी बड़ा मास है M2 और उसकी वेलोसिटी है U2, अब देखो कोलाइजन से पहले इसका मोमेंटम कितना है M1 U1 और इसका कितना है M2 U2, M2 U2, अब ये कोलाइजन है, ये आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, ये टकराने को इंग्लिश में कहते हैं कोलाइजन, ये टकराव है इसका कोलाइजन, टकराने से, हाँ कोलाइजन, अब ये देखें टकराने के बाद वो कह रहा है टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी रह गई है V1 और M2 की वेलोसिटी V2 और इसका मोमेंटम कितना है जनाब V2, इसका मोमेंटम है M1 V1 M2 V2 मोमेंटम है। अच्छा टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था
M1 U1 plus V1 U2 ये टोटल मोमेंटम है और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम कितना है M1 V1 plus M2 V2 ठीक है ये देखें ये आप कहते हैं टोटल ये नजर आ रहा है कि नहीं ये साइड नजर आ रही है ना जी सर नजर आ रही है यस सर ये क्या है बिफोर कोलिजन ठीक है और ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यस गुड आफ्टर कोलिजन ठीक है अब लॉ कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ठीक है ये फिर देख लें अकॉर्डिंग अब फर्ज करें कोई कहता है कि जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन बताएं तो इसका नाम है लॉ ऑफ यस कोलिजन मोमेंटम क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें ऊपर नजर नहीं आया हाँ ये नजर आ रहा है ये डेफिनेशन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट फर्ज करें कोई पूछता है हम बेशक कॉपी में आप वाला कर दें सर या बेशक बुक वाला कर दें नहीं बुक वाला करेंगे लेकिन इसमें मैंने वो सेंटेंसेस नहीं लिखे ना तो सेंटेंसेस आप बुक से लिख दें पिक्चर बेशक ये बना दें ठीक है बेशक बुक वाली पिक्चर बना दें और बेशक ये पिक्चर बना ये पिक्चर है असल में अब देखें okay, कहता है और पिक्चर भी बनानी है हाँ ये पिक्चर okay, लाजमी है बेटे sir? बेशक बुक वाली बना दें हाँ बोलें क्या अच्छा सर ये वाली पिक्चर बना लें हाँ ये पिक्चर बना लेंगे वीडियो सेंड करूंगा ना तो उसमें से पॉज करके उसे तो okay, आप वो ले sir? सकते हैं हाँ स्क्रीन शॉट अच्छा आप देखें हाँ बोले क्या सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिखने के बाद ये बनानी है तीनों हाँ पहले लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे लॉ की डेफिनेशन पहले देखें मैं आपको सिखा रहा हूँ सर फिर ये ब्लैंक पेज पे बना देंगे हाँ ये देखें सर ये ब्लैंक पेज पे बना देंगे हाँ ब्लैंक पे बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ये देखें लॉ की डेफिनेशन अब क्या है आसान तरीका वैसे तो बुक वाली आप याद करेंगे लेकिन यहाँ से ये देखें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is always equal to total momentum after collision aakhir mein wo likh de in isolated system kaun sa system in isolated system in isolated isolated system ka kya matlab hai to dekhen farz kare aap billiard ke ball dekhe hai na log khel rahe hote hain isolated system is the ball sir billiard jo khelte hain billiard बिलियर्ड भी स्नूकर का जनरल नाम है बिलियर्ड अच्छा अब देखें स्नूकर आपने खेली हुई है स्नूकर में देखें क्या होता है जब वो फर्ज करे निशाना लेके मारने लगा पहले इसी का लिख रहा हूँ जब निशाना लेके मारने लगा है, तो क्या कोई साइड के उसके दोस्त टेबल को हिलाना शुरू कर दें या हिलाना नहीं चाहिए ये टेबल को ना हिलाने को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम इसका मतलब है अगर वो आपको साइंसी लैंग्वेज लैंग्वेज में कहेगा तो वो कहेगा सिस्टम आइसोलेटेड रखो यार सिस्टम आइसोलेटेड रखो का मतलब है कि टेबल ना हिलाओ क्यों बाहर से फोर्सेस ना बीच में दाखिल हो जाए उसका वो निशाना खराब हो जाएगा क्यों निशाना खराब होगा क्योंकि वो बाहर की फोर्स उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगी चेंज कर देगी सर बुक वाली नहीं लिख सकते डेफिनेशन बुक वाली लिखेंगे ना बुक वाली और ये एक ही है जब आप ये समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक वाली भी एक ही है ये देखो पिंक कलर में लिखा हुआ है The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies. Interacting remains constant. Collision, जिनमें collision होता है, remains constant. दो interacting bodies हैं. ये देखो, ये दोनों टकरा रही हैं. ये टकराने का मतलब है interacting. टकराने का क्या मतलब हो गया? Interacting. Interacting.
तो ये देखो, इन दोनों बॉडीज का इंटरैक्टिंग के पहले और इंटरैक्टिंग के बाद का मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन. आफ्टर कोलाइजन आ गई, यानी आफ्टर कोलाइजन. जी सर. कोलाइजन टकराव से पहले का मोमेंटम बराबर है टकराव के बाद के मोमेंटम के. ये बात समझ गए आप? अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, दोबारा अब मैं दोबारा से आपको बताने लगा. आपने क्या करना है जनाब, ये एक्सप्लेनेशन के वक्त आप बताएंगे. सबसे पहले तो लॉ की डेफिनेशन, क्या चीज बराबर? टोटल मोमेंटम बराबर है, यानी मोशन की क्वांटिटी बराबर है. ठीक है, अब सुने पहले लॉ क्या बताता है. तो लॉ की डेफिनेशन पहले करेंगे. द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर बॉडीज, जैसा कि स्नूकर में होता है, इंटरैक्टिंग बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट रहे. कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि जो टकराने से पहले मोमेंटम थे, टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम वही रहते हैं. ये अलग बात है कि अलग अलग बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है. ये देखो M1 का मोमेंटम मुख्तलिफ है इस M1 के मोमेंटम से टकराने के बाद. मगर इसका देखो, M1 का मोमेंटम ज्यादा है शुरू में, टकराने के बाद M1 का मोमेंटम कम हो गया. वो जो कमी हुई मोमेंटम में, वो असल में M2 को मिल गई. फिर ध्यान दें बेटे, वो जो M1 के मोमेंटम में कमी हुई, मोशन की क्वांटिटी में कमी, वो M2 को मिल गई. यस गुड. आप यूं समझे, आप यूं समझे, दो दोस्त जाते हैं घर से निकलने से पहले. पहले दोस्त की पॉकेट में 10 रुपए हैं और दूसरा दोस्त जब घर से निकला तो उसकी पॉकेट में फर्ज करो 20 रुपीज हैं. ठीक है, अब फर्ज करो, अब ये गौर से सुने सिर्फ. रास्ते में वो मिलते हैं और उसका एक दोस्त जो है, ठीक है, वो दूसरे दोस्त को कहता है, यार ऐसा है कि मेरे पास ज्यादा है तो मैं अपने 7 रुपीज तुम्हें दे देता हूँ. तो वो 7 रुपीज अपने दूसरे दोस्त को दे देता है जिसके पास 10 रुपीज है. तो अब देखो, 10 रुपीज वाले के, हमजा बेटे सिर्फ सुने, हमजा आवाज नहीं आए बेटे, बाहर से नहीं, हर दफा बाहर नहीं होती, पता चल जाता है. अच्छा, तो अब देखें सर, सच में सर मेरा दरवाजा खुला हुआ. फिर ध्यान दें जरा, अब देखो पूरी एग्जांपल आपने बेड़ा गर्क कर दी. अब होता ये है कि वरना लॉ समझ नहीं आता. ठीक है, अब ध्यान दें, पहले दोस्त के पास थे 10 रुपीज, दूसरे दोस्त के पास थे 20 रुपीज. घर से निकले, रास्ते में मिले, एक दोस्त ने 20 रुपीज वाले ने 7 रुपीज दे दिए 10 रुपीज वाले को. तो अब एक दोस्त के पास कितने रुपीज हो गए? 17. और दूसरे के पास कितने हो गए? 13. अब देखो टोटल कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज. अच्छा, ये इंटरैक्टिंग होने से पहले कितने रुपीज थे टोटल? 30 थे. गुड, यानी इंटरैक्शन से पहले भी 30 थे और इंटरेक्शन के बाद भी टोटल रुपीज 30 है. ये अलग बात है कि अलग अलग उनके पैसे कम ज्यादा हो गए. बॉडीज मूव करती हैं तो वो जब टकराती हैं तो अपना थोड़ा सा मोमेंटम दूसरी बॉडी को दे देती है. वो कहता है दूसरी बॉडी को उसने दे दिया मोमेंटम, पहली का मोमेंटम कम हो गया, दूसरी का ज्यादा हो गया, मगर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. उसी तरह जैसे दोस्तों के टोटल पैसे 30 रुपीज थे इंटरेक्शन से पहले, और इंटरेक्शन के बाद भी कितने थे? 30 रुपीज. हाँ, ये बात ये लॉ बता रहा है. अब फिर वापस, हाँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम. अभी टाइम जो है जरा, ठीक है, वो अभी म्यूट हो गया था, इसका मतलब है जब मैसेज आता है ना तो वो म्यूट हो जाता है. सर म्यूट नहीं हुआ. अच्छा चलो, फिर दोबारा से सुने आप. अब देखें, अब मैं जैसे सुनाने लगा हूं
लॉ सुनाऊंगा और उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरह आपसे मैं पूछूंगा और आपने भी लॉ बताना है पहले और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन बतानी, लिहाजा गौर से सुनना है। ओके, आप देखें जी, फर्ज करें मुझसे पूछा गया तो मैं कहता हूं द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, द टोटल कहना ज्यादा बेहतर है, टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन ऑफ टू और मोर बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, या मैं इसको यूं कहूंगा टोटल मोमेंटम ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडीज बिफोर कोलाइजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट आफ्टर कोलाइजन कोलिजन। हाँ, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन मैं बताने लगा हूं, एक्सप्लेनेशन बताने के बाद मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में मैं यू कहूंगा, अब गौर से सुनोगे, ये बहुत आसान है, और अगर बुक से याद करने की कोशिश करोगे रटा लगाने की फिर मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, अब इसमें आप बताते हैं, कंसिडर वी हैव अ बॉडी ऑफ मास एम वन, इट्स वेलोसिटी इज यू वन, वी ऑल्सो हैव अ बॉडी ऑफ मास एम टू एंड इट्स वेलोसिटी इज यू टू, द मोमेंटम ऑफ एम वन इज एम वन यू वन एंड मोमेंटम ऑफ एम टू इज एम टू यू टू यू टू। हाँ, उसके बाद आप कहते हैं बोथ दीज बॉडीज कोलाइड एंड वेलोसिटी ऑफ एम वन बिकम्स वी वन एंड वेलोसिटी ऑफ एम टू बिकम्स वी टू वी टू, मोमेंटम ऑफ एम वन बिकम्स एम वन वी वन एंड मोमेंटम ऑफ एम टू बिकम्स एम टू वी टू, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब एंड पे आपने ये लिख देना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने ये लिख देना है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये इक्वेशन आपने लिख देनी है और आपने बताना है दिस इक्वेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात समझ आ गई, ठीक है। yes, फिर दोबारा बताऊंगा एक दफा yes, आगे इसके बाद आप बता सकें या बता लेंगे, बता लेंगे सर, बता लेंगे सर, आपने बड़ा सा सुना है। चलो अभी देख लेते हैं फिर, ठीक है, लास्ट टाइम मैं रिपीट करने लगूंगा आपके सामने। अब ये देखें, द मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडीज बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम हो जिसे बाहर से कोई इलाज उला ना रहा हो, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड, उर्दू में आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, उर्दू में आइसोलेटेड का क्या मतलब है, अलग थलग, अलग थलग, यानी आप देखें आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपको बाहर के लोगों से क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जनाब वो रेडी वाले भी आ रहे हों और जनाब उधर से, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाले भी अंदर क्लासों में आ रहे हों, नहीं, बल्कि हाँ आपको क्या किया जाता है, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। हाँ, दीवारें होती हैं, गेट होता है, आइसोलेशन हो जाती है, तो आइसोलेटेड सिस्टम करके तालीम हो सकती है, ठीक है ना, एजुकेशन विदाउट आइसोलेशन नहीं हो सकती। तो आप देखें, हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी भी आप आइसोलेटेड है, आप घर में हैं, आप बाहर सड़क पे बैठ के इस तरह से कोशिश करें ना, एकदम आपके गिर्द झुमघटा हो जाएगा और आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। अच्छा, और सर इस तरह हॉस्पिटल में भी होता है सर आइसोलेटेड वार्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट, गुड, वो बहुत जो सेंसिटिव केसेस होते हैं आईसीयू वगैरह में डाले जाते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब समझ गए, अलग थलग कर देना, ठीक है ना। अब ये दो बॉल हैं, आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद इनके मोमेंटम चेंज होंगे, मगर क्या होगा, पहला बॉल अपना मोमेंटम दूसरे बॉल को दे देगा, ठीक है, मगर टोटल मोमेंटम वही होगा
जो टकराने से पहले उनके अलग अलग मोमेंटम थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाँ अटेंडेंस भेज दी है, थैंक यू वेरी मच। बाकी भी जिनकी ड्यूटी है ना बेटे, अटेंडेंस स्क्रीनशॉट दे के तो भेज दें, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले लॉ की सिर्फ डेफिनेशन पूछूंगा बच्चों से, लॉ की डेफिनेशन सिर्फ करनी है, एक्सप्लेनेशन बाद में कल पूछूंगा, ओके। बी रेडी नाउ, कौन बताएगा लॉ की डेफिनेशन बतानी है आपने, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले यू आर रेडी नाउ। चले जी, हाँ मोहम्मद फहद बताएं। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, हाँ यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, खैर फहद को बताने देना पहले। हाँ जी बोले फहद, उसके बाद शर्जील अली बताएगा। हाँ जी मैं बताऊं। हाँ बताएं सर, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। गुड, वेल डन, वेरी गुड सर। मैंने वो और बताया, सर मैंने बता दी थी वो, फिर माइक म्यूट था। सर लॉ में ये बताता है कि जो टोटल मोमेंटम बॉल्स या किसी चीज के टकराने से पहले होता है वही टकराने के बाद होता है। सही, और इसमें एक शर्त भी है, वो क्या शर्त है? सर M1 अपना M2 को दे सकता है लेकिन वो इक्वल ही रहता है। सर उसको, सर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए नेट फोर्स। हाँ, यानी आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी, आइसोलेशन होनी चाहिए, आइसोलेशन। अच्छा गुड, ठीक है। हाँ और कौन बताएगा अब? हाँ बोले, टेस्ट का बोला था। हाँ टेस्ट का बोला था, अब इसे टेस्ट ही समझे आज, अभी ये ले लूं। सर ये भी सर, वो दूसरा सर, वो जो आपने कराया था। हाँ ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर थ्री होगा ना बेटे, सारा कर लेंगे तब तक, ठीक है। चैप्टर नंबर टू दे दे सर, याद कर लिए चैप्टर टू की डेफिनेशन। सर हमने याद भी कर लिया, चलो फिर ठीक है सर। चैप्टर टू और थ्री सर, मेरा चैप्टर टू थोड़ा सा रहता है सर एंड में से, वो आप करवा देंगे सर स्कूल में पहले? हाँ बिल्कुल वो करवाएंगे। और बात सुने बेटे, आपने अब अच्छा सुन ले, चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री अब सुन ले, चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री, चैप्टर टू अगर तैयार कर लिया है ठीक है, तो चैप्टर टू में से और चैप्टर थ्री ठीक है, दोनों में से मैं टेस्ट दूंगा। नहीं कल आपकी आखिरी क्लास है, थ्री बी रखने आखिर में वीडियो ऑन करना सर। आप ऐसे करें, पहले चैप्टर टू कर लें जहां तक करवाया हुआ है ठीक है जी। और चैप्टर टू आपने तैयार कर लिया ना? अच्छा चैप्टर थ्री, चैप्टर थ्री में दूंगा, पहले मैं देखूंगा ना, उसके बाद आधा कर दूंगा, आधा दे दें सर, पहले आधा कर दूंगा ठीक है, आधा आधा कर दे सर, आसान हो जाएगी। चैप्टर टू फुल कर देंगे, कल आपकी क्लास है चैप्टर थ्री। हाँ कल लास्ट क्लास होगी बेटे ठीक है सर, फ्राइडे को होगी क्लास? नहीं नहीं यस सर, थर्सडे को आखिरी है, फ्राइडे को नहीं होगी ना सर। सर चैप्टर थ्री दे दे क्योंकि हमें सर हमारे पास नोट्स नहीं है चैप्टर टू के। चलो ठीक है दोनों चैप्टर रखूंगा ना। नो सर, सर अब चैप्टर टू दे, नहीं मैं रखूंगा ही, चैप्टर टू सही है बेटे, मैं रखूंगा ही इस तरह, चैप्टर टू ज्यादा आसान है। बात सुने, चैप्टर टू सही है। आपने जो जो टॉपिक किए होंगे ना मुझे प्राइवेट मैसेज में लिख के भेजेंगे, मैंने ये टॉपिक कर लिए ठीक है, उस हिसाब से मैं कॉमनली देख लूंगा, देख लूंगा सर व्हाट्सएप पर। हाँ व्हाट्सएप पे सर, सर पर आप सर इन सारों से पूछ ले, हमें चैप्टर टू का एक लास भी नहीं लिखवाया था सर उमर ने, सर नोट्स नहीं है हमारे पास उसके, कोई बात नहीं बेटे, जो समझा देते वही लिखे हैं, कोई बात नहीं। सर उमर कहते हैं सर उमर कहते हैं कि मैं जो काम समझाता हूँ ना सर वही लिखना होता है सर, वो हमें डेफिनेशन ही लिखवाते थे सर बुक्स से समझाने के लिए, सर वो कहते थे सर वही लिखना लिखो और यस सर वही लिखे हैं। सुने आप जो डेफिनेशन उन्होंने